आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हम हाइट को किस तरह से यानी 30-35 या फिर 18 के बाद किस तरह से हम इजीली हमारी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे होगा। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे कि आपकी हाइट इजीली नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइट जो है एक सर्टन एज के बाद हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हाइट को इंक्रीज़ करने में, हाइट को बढ़ाने में। तो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम देखेंगे एक्चुअली हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जिससे कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को करना बंद कर दे तो फिर हमारी हाइट उस एक सर्टन एज के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करना थोड़ा कम कर देती है या फिर बंद कर देती है। इसके बाद ये होता है कि हमारी हाइट जो है एक सर्टन एज के बाद नहीं बढ़ती है। तो आज के वीडियो में आज हम वही देखेंगे कि इस जो ग्लैंड है उसको हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। मैं आपको एक मेडिटेशन बताऊंगी, इजी मेडिटेशन बताऊंगी जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे ईजी आसनास देखेंगे जिसे अगर हम डेली करेंगे तो वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी, जिससे कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ने लगेगी। जो भी अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती हो तो आप उन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर अदर रिजल्ट के लिए आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही सब देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि पूरा जो वीडियो होने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की जो मैं आईडी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो मेडिटेशन टेक्निक देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिससे कि हम हमारी इस ग्लैंड को एक्टिवेट और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक प्लेन पेपर, आपको इस तरह का एक प्लेन पेपर चाहिए, इस तरह का आप प्लेन पेपर ले लेंगे। आपके घर में अगर वाइट बोर्ड है आप उस पर भी ये कर सकते हैं, आपके घर में कोई वाइट वॉल है, दीवार है उस पर भी, अगर लिखने से किसी को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाइट पेपर ले लिया है, इस तरह का आपको एक वाइट पेपर ले लेना है। वाइट पेपर ले लेने के बाद आपको चाहिए, या तो आप ले सकते हैं ग्रीन, रेड या येलो पेन, उसके अलावा आपको चाहिए एक ब्लैक पेन, मार्कर या कुछ भी आप ले सकते हैं, पेंसिल हो तो पेंसिल भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक मटर के दाने के जितना रेड पेन ले रही हूँ, आप ग्रीन और येलो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, मैं रेड ले रही हूँ। उस पर हमें एक मटर के दाने जितना सर्किल ड्रॉ करना है और उसको पूरा फिल कर देना है। इस तरह से आई होप कि आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन ये जो इसका साइज है वो एक मटर के दाने के जितना है। तो इतना मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें ब्लैक पेन से, पेंसिल से, आप मार्कर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे क्या करेंगे, ये जो हमने रेड जो गोला बनाया है, सर्किल बनाया है, उसके चारों तरफ हमें ब्लैक पेन, मार्कर या पेंसिल आपके पास जो भी हो तो उससे आप चारों तरफ ड्रॉ कर देंगे। अच्छे से गहरा गहरा ड्रॉ करना है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, हमें इस पेपर को, आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो आप एकदम जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, बोर्ड पे भी जब हम खड़े होंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा थर्ड आई चक्रा है वो सीधा एक लाइन बनाए इस गोले की तरफ। और अगर हम इस पेपर को भी चिपकाएंगे तो मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कि जैसे मेरा थर्ड आई चक्रा यहाँ है तो मुझे इस पेपर को वॉल पे चिपकाना होगा यहाँ, ताकि एक सीधी लाइन बने, जो सीधी लाइन बने वो इस गोले को देखे। इस तरह से अगर आप दीवार पर भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बीच का जहाँ हम
जहाँ बिंदी लगाते हैं, गर्ल्स स्पेशली जहाँ बिंदी लगाते हैं, हमें सिद्ध में उसके इस गोले का होना ज़रूरी है। अगर आप टेढ़ा या कहीं पे भी थोड़ा साइड में अगर चला जाएगा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए कि एकदम सीधा हो। सीधा होने के बाद हमें इसको मेडिटेशन ध्यान रख इस पर ध्यान लगाना है कि किस तरह से हम इसको देखते रहेंगे बिना पलके झपकाए हुए। इस तरह से एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में बिना पलके झपकाए आपसे पॉसिबल नहीं होगा, आपके आंखों में पानी आएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आप ट्राई करिएगा कि आप पलके झपके लेकिन कम झपकने की कोशिश करें, और धीरे 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 प्रैक्टिस से आपसे ये भी होने लगेगा, आपके आंखों में पानी आएगा लेकिन फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के बाद ये होने लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे कि आप तो कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इजीली ऐसे ही एक्टिवेट नहीं हो जाती है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी आप जब भी आप इस मेडिटेशन करने बैठे तो आप झटके से कभी भी अपनी बाहर ना निकले इस मेडिटेशन से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तो आपको ये 3 महीने तक कंटिन्यूसली करके देखना ही देखना है। इसको ट्राई करने से पहले आपको अपनी हाइट जो है मेजर कर लेनी है कि अभी आपकी हाइट कितनी है। 3 महीने बाद आप जब देखेंगे तो आपको कुछ इंचेस का आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस मेडिटेशन से एक्टिवेट होने लगती है और जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनको रिलीज़ करने लगती है। तो आपको इसका ज़रूर ट्राई करना है और ऐसा देखना ज़रूर है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ती है। चलिए अब लंबा वीडियो ना करते हुए मैं आपको कुछ आसनास बता देती हूँ, जिस आसनास की वजह से आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इजीली ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगती है। तो उसके लिए इस तरह से आप मैट पे पैरों को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे, कमर एकदम सीधी कर लेनी है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ उठाइए। अब उठा लेने के बाद जो हमारा अपर बॉडी है, मैंने कहा जो हमारी अपर बॉडी है हमें सिर्फ उसी को आगे की तरफ झुकाना है। हमारी जो लोअर बॉडी है, हमारे हिप्स हैं, वो एकदम जिस जगह पर है उस जगह ही रहेंगे, बिल्कुल भी आगे शिफ्ट नहीं होंगे। इस तरह से कर लेने के बाद आपको अपने अंगूठों को टच करना है या पकड़ लेना है। पहली बार में आपसे इतना होगा, इतना भी नहीं होता है तो इतना होगा, तो आप इतना करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे 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 अपर बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए आपको इस तरह से आना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे होने लगे, थोड़ा थोड़ा आपका कंफर्टेबल होने लगे, उसके बाद आपको अपना माथा जो है अपने पैरों से लगाने की कोशिश करनी है। और फिर से इसी तरह सीधे बैठ जाना है। चलिए एक ये आसन हो गया, ये हमारी जो अपर बॉडी है उसको अच्छा स्ट्रेच देती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी की मसल्स है वो थोड़ी लूज होने लगती है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर डायरेक्ट इसका असर होता है, जिससे कि वो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने लगती है। चलिए अगला आसना जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उस वो करने के लिए हमें सीधा लेटना होगा। इस तरह से आप लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद हम बना रहे हैं चक्रासन, तो उसके लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ से इस तरह से पीछे की तरफ से लेते हुए पैरों को आगे की तरफ लीजिए हिप्स के पास। अब फुल प्रेशर के साथ हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, और सर जो है आपका नीचे की तरफ देखता हुआ एक अच्छा स्ट्रेच देंगे, जितनी हो सके उतना ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड्स का वेट करेंगे
धीरे धीरे बॉडी को डाउन करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो आसना है ये भी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है। इतना कर लेने के बाद आपको करना है एक और आसना जो कि दिखने में इजी है लेकिन हमें फ़ायदा देगा। तो उसके लिए हमें हमारे घुटनों पे आ जाना है, वज्रासन की पोजीशन मतलब जो एडिया है उस पर हमें इस तरह से बैठ जाना है। जो हमारे हाथ है उसे हम आगे की तरफ करते हुए माथे को ज़मीन से लगाएंगे। आप धीरे धीरे उठ जाएंगे। बहुत अच्छा आसना है, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए अब जो अगला आसना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए अपने एक पैर को आगे की तरफ लाएंगे और जो दूसरा पैर है उसे हमें इस तरह से सीधा करना होगा। जो घुटना है उतना सीधा करने की कोशिश करनी होगी कि जो घुटना है वो ज़मीन से टच हो और जो थाइज़ है वो थोड़ी ज़मीन से ऊपर हो। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। एक अच्छा स्ट्रेच देंगे ऊपर की तरफ, जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे हाथों को खींचने की और पीछे देखने की। अगर आपसे हो रहा है इतना तो आप पीछे भी बेंड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए आप सीधे हो। तो आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको मेडिटेशन बताया और कुछ ऐसे इजी आसनास बता दिए। तो अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।